हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 संस्कृत का पेपर सन 2018 का यूपी बोर्ड के द्वारा जो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर के होंगे, 30 नंबर आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया कि शुरुआत में जो 15 मिनट मिलता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। टोटल ये 7 नंबर का होगा, 2 नंबर आपको संदर्भ में मिलेगा और 5 नंबर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करने पर मिलेगा। तो आप गद्यांश को देख लीजिए, इसके बाद अपने बुक में मैच कर लीजिएगा। मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को ही दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्व सॉल्यूशन नहीं है, ओनली क्वेश्चन पेपर है। तो यही गद्यांश है, आपको इसका संदर्भ लिखना है कि किस अध्याय से लिया गया, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको टोटल 7 नंबर दिए जाएंगे। तो गद्यांश को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, इसमें अथवा करके एक गद्यांश और दिए रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम दूसरे गद्यांश को आपको दिखा दे रहे हैं कि दूसरा गद्यांश क्या आया है। तो दूसरा गद्यांश यहाँ से खा वाला ये है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत के 2-3 लाइन आप मैच कर लीजिएगा बुक में कि किस अध्याय से लिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो आपको 3 पाठ का नाम दिया गया है, किसी एक पाठ का आपको हिंदी में सारांश लिखना है। टोटल 4 नंबर का ही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको क और ख 2 पद दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको व्याख्या करना है। टोटल 7 नंबर का है। तो संदर्भ लिखेंगे आपको 2 नंबर और व्याख्या भी लिख दे रहे हैं, तो आपको पूरा का 7 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर सूक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ में सहित व्याख्या देना है। यहाँ पर क ख ग 3 सूक्ति हैं, तो आपको संदर्भ यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा और व्याख्या करने पर 2 नंबर। टोटल 3 नंबर का है। ये 3 सूक्ति दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर आपको क और ख 2 संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, इनका जो अर्थ होगा उसको भी संस्कृत में आपको लिखना है। यह 5 नंबर का है क्वेश्चन। तो आपका और खा देख लीजिए, अर्थात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्र लिखिए, वो भी हिंदी में। यहाँ पे आपको क ख ग 3 पात्र के नाम दिए गए हैं, किसी एक पात्र का आपको हिंदी में इसका चरित्र लिखना है। टोटल 4 नंबर का है क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 रोमन अंकों में दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 का उत्तर आपको हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन पर 2 नंबर और 2 क्वेश्चन कर देना है, तो आपको टोटल 4 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें खा है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सुमेधा .. पुत्री आसीत। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक जो राइट होगा उस पर टिक करके इसको लिखना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका लिखिए, 1 नंबर का है। अंग प्रत्याहार के वर्ण है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा उसको आपको लिखना है। फिर यहाँ पे खा आता है, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो आपको इनमें से किसी एक का उच्चारण स्थान बताना है, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 3 संधि दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। 1-1 नंबर दिए जाएंगे, टोटल ये 2 नंबर का है और इनमें से किसी एक का ही करना है। फिर यहाँ पे खा स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, रात्रव्यूह में संधि है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ गुण यण आयादि,
इनमें से जो राइट होगा उस पर आपको टिक करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अभी एक नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक शब्द का रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 करके दिए गए, इनमें से किन्हीं एक का, अगर आप मधु को लिख रहे हैं तो मधु शब्द का द्वितीय एक वचन लिखना है आपको। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन है। और यदि आप गो का लिखते हैं तो गो शब्द का चतुर्थी एक वचन आपको लिखना है। तो किसी एक शब्द का आपको रूप यहाँ पर लिखना है जो आगे दर्शाया गया है। अब यहाँ से ख स्टार्ट होता है। निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। केन किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो आपको इनमें से कोई एक राइट है उस पर टिक करके लिखना है। अभी एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक धातु का रूप लिखिए। अस्था लिखते हैं, अस्था धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ख की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चोरेताम किस लकार का रूप है? यहाँ पे लट लिट लोट विदलिंग दिया गया है, जो राइट होगा आप उसको टिक करके उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। यहाँ भी ये एक नंबर का क्वेश्चन है। अब सभी एक एक क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के हैं सभी। यहाँ पे आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिख रहे हैं। किसी एक पद का समास विग्रह करेंगे तो आधा नंबर, और उसका नाम लिख दे रहे हैं तो आपको आधा नंबर अर्थात टोटल एक नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ख है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चतुर्युगम में समास है तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, द्विगु बहुव्रीहि, अव्ययीभव भाव, जो राइट होगा उस पर टिक करना है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति का निर्देश लिखिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 रोमन अंकों में दिए गए, किसी एक में आपको विभक्ति का निर्देश लिखना है। यहाँ पे आपको एक नंबर है। जैसे गणेशाय का लिखना है, गणेशाय नमः, तो गणेशाय के नीचे यहाँ पे मार्किंग किया गया है। तो रेखांकित पदों में से किसी एक पद में, तो इसका विभक्ति बताना है कि इसमें कौन सा विभक्ति है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 का ख देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसमें कौन सी विभक्ति है उस पर राइट टिक करना है। दक्षिणे में कौन सा विभक्ति है, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, जो राइट होगा आपको उसको लिखना है। यह भी एक नंबर क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे मार्किंग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसी एक में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो तीन दिए गए, इनमें से किसी एक का धातु प्रत्यय लिखना है, टोटल दो नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे आपको तीन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। टोटल ये 6 नंबर का है। आपको प्रत्येक अर्थात 1 से लेकर के 6 तक से हम लोग पढ़ते हैं तो इसका आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे। टोटल ये 6 हैं और 6 नंबर का है। एक क्वेश्चन करेंगे तो एक नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। संस्कृत में अनुवाद नहीं, इस पर आपको निबंध लिखना है, वो भी 8 लाइन का। एक लाइन पर एक नंबर दिए जाएंगे। यदि आप 8 लाइन लिख दे रहे हैं तो आपको 8 नंबर पूरे दिए जाएंगे। फिर अंत में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 करके। निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनमें से किसी 4 शब्द का आपको वाक्य प्रयोग करना है, वो भी 4 नंबर का है। तो आप 1 से लेकर के इधर तक देख लीजिए, अंतिम तक। टोटल ये 8 दिए गए हैं, 1 से लेकर 8 तक। तीन में से किसी आपको 4 ही करना है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।